हेलो, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस हियर एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर is not differentiable at x equal to 1. Now in this question we have check here differentiability at x equal to 1. Now a function said to be differentiable we have studied in earlier classes, now 11th class. If left hand limit and right hand limit of a given function is equal to, then function is differentiable at particular given points. Now given fx equal to mod of x minus 1, x belongs to real number. Now we have We have to prove that function is not differentiable at x equal to 1. This given function mod of x minus 1, x belongs to R, we can represent, let suppose fx equal to mod means it function may be negative, may be positive. Suppose if function is, if fx equal to x minus 1, suppose function x equal to 1, it will be x greater than equal to 1. And if function will be negative means less than 1, if value of x less than 1 means negative, it may be x minus 1. We have two cases. Suppose function is positive, then value of function will be x minus 1 or x will be greater than equal to 1. And if function is negative, then x should be less than 1. Now, mean value theorem, in next exercise, we will study mean value theorem. We know that suppose in a given up interval, we have given a point, say any constant point, lying between given interval, there is function at constant point f dash c equal to limit x tends to c fx minus of fc divided by x minus h. It is mean value theorem. Now left hand limit, suppose we have x equal to 1, left hand limit means less than 1, less than means here is left hand limit and here is right hand limit. Left hand limit means 1 minus h, right hand means 1 se jyada, so 1 plus h, left means 1 se kam, 1 minus h. So now left hand limit x tends to 1 minus x minus h
मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या लूँगा, ये लूँगा एक से छोटा माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एफ सी, सी मीन्स वन एफ वन डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस ऑफ वन। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, इट विल बी इन प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वन माइनस एच मीन्स माइनस ए मीन्स वन माइनस एच एंड माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ एफ वन, एफ वन मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, इट विल बी जीरो, इन प्लेस ऑफ एक्स विल बी जीरो, तो दिस विल बी जीरो डिवाइड बाई एक्स मीन्स ए माइनस एच, वन माइनस एच माइनस ऑफ वन, तो नाउ ऑन मल्टीप्लाई दिस माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ एच एंड प्लस ऑफ वन, वन वन कैंसिल, दिस विल माइनस एच, दिस विल कैंसिल, इट विल बी एच अपॉन एच मीन्स एच अपॉन माइनस एच मीन्स माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस ए प्लस एच, मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, वन से बड़ा ये दिस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एफ वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ एच मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट दिस विल बी फंक्शन विल बी एक्स माइनस वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस एच मीन्स वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन, एफ वन मीन्स वन माइनस वन जीरो डिवाइड बाय वन प्लस एच माइनस ऑफ एच, इट विल बी एच एच कैंसिल आउट एंड ए प्लस एच, इट विल बी इन प्लेस ऑफ दिस x माइनस ऑफ वन, माइनस वन एंड प्लस वन विल बी कैंसिल आउट एंड माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल आउट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एच, एच अपॉन एच, हियर इज एच, दिस इज वन कॉन्स्टेंट। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, क्योंकि राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस वन है, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंसीबल एट एक्स इक्वल टू वन, किसी भी फंक्शन के लिए नॉट, नॉट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, देन फंक्शन सेट टू बी कॉन्टिन्यूस। बट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल, इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिफरेंसीबल एट गिवन पॉइंट। बट हियर इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट आर बोथ आर डिफरेंट, वन एंड माइनस वन, इट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंसीबल। Now question number 10 is homework. Question number 10 is homework. Now tomorrow I will discuss question number exercise 5.3. Thank you very much.